नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कंचन मोकाशी। रेसिपी प्लान चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे मिक्स फ्रूट जाम। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है थोड़ा सा आम बारीक काट के, ये मेरे पास खरबूजा था थोड़ा सा वो बारीक काट के लिया है, और ये मेरे पास एप्पल थे तो वो बारीक काट के लिया है छिलका निकाल के, और यहाँ पे अनार था मेरे पास तो मैंने अनार लिया है। तो अभी फ्रूट्स आपके पास जो भी हो अवेलेबल आप उसको यूज़ कीजिए। सभी फ्रूट्स की क्वांटिटी कम ज़्यादा जितनी अपने हिसाब से ले लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं एप्पल मेरे पास ज़्यादा थे तो मैंने एप्पल ज़्यादा ले लिए, आम और खरबूजा कम था तो मैंने वो कम ही लिया, अनार और एप्पल ज़्यादा थे। अभी मैं इन तीनों को एक साथ मिक्सी में एक अच्छा पेस्ट बनाऊंगी, उसके बाद अनार को भी अलग सा एक अच्छा पेस्ट बनाऊंगी। अनार का अलग इसलिए बनाएंगे क्योंकि इसके बीच में दाने निकलते हैं, वो दाने निकालने हैं, इसलिए इसको अलग सा पीस के इसको छानना है और इसको भी छानना है, दोनों को अलग अलग छान के फिर एक साथ मिक्स करेंगे। तो चलिए इनका सब पेस्ट बनाते हैं। ये देखिए हमने अनार को पीस लिया है। इसको साइड में निकाल दिया, अब हम इसको छानेंगे। छानना ज़रूरी इसलिए है कि इसके अंदर छिलके वगैरह होते हैं वो निकल सके। अभी ये जूस हमारा करीब 1 लीटर के आसपास है, थोड़ा सा कम है 1 लीटर के लिए, तो अभी इसमें मैं 400 ग्राम चीनी डालूंगी। मेजरमेंट के लिए आप जूस को नापिए, आप 1 लीटर अगर जूस हो जाता है तो 500 ग्राम चीनी डाल सकते। और ये एक दालचीनी का टुकड़ा है, ये इसी के अंदर ऐसे डालेंगे। आप चाहे तो आधा टीस्पून दालचीनी की पाउडर भी डाल सकते हैं। और अभी इसको हम गैस पे रखेंगे। अब जब भी फ्रूट जाम बनाते हैं तो ज़्यादा पानी वाली फ्रूट्स मत यूज़ कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन पानी पूरा सोखने में ज़्यादा समय लेगा। अब इसको हम गैस पे चढ़ा देते। आप यहाँ देख सकते हैं इसको एक अच्छा उबाल आ गया है, इसके अंदर पूरा चीनी भी घुल गई है। अभी हम इसको ऐसे ही लो फ्लेम पे रखेंगे क्योंकि हाई फ्लेम रखने से पूरा चीटे बाहर उड़ जाती है इसकी और पूरा बाहर ही वेस्ट हो जाएगा, इसलिए इसको लो फ्लेम पे रखेंगे। तब तक इसको पकाएंगे जब तक ये पूरा एक अच्छा गाढ़ा बैटर तैयार ना हो जाए। अब दालचीनी को निकाल देंगे और अब इसका कलर अच्छा नहीं लग रहा ये वाला, तो अब इसका कलर बढ़ाने के लिए हम थोड़ा सा इसमें खाने वाला कलर डालेंगे। आप देख सकते हैं हमारा जाम तैयार है, ऐसा बनना चाहिए। और चेक करने के लिए ऐसे टेढ़ा करेंगे तो साइड से पानी वगैरह नहीं निकलेगा, इसका मतलब ये परफेक्ट हो गया। अभी इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर। अभी इसको ठंडा करके किसी कांच के शीशे में बंद करके इसको फ्रिज में रखिए। मैंने ठंडा होने के बाद इसको कांच के शीशे में भर के रखा है, आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखिए इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है। हमारा जाम तैयार है, बहुत आसानी से घर में बन जाता है। आप इसे बना के ज़रूर ट्राई कीजिए, ये बच्चों को बहुत पसंद आता है। कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिए कि आपका जाम कैसे बना। लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।